नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरीका से लक्ष्मी के साथ में ऋषि का जो झगड़ा हो रहा था उस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीका से एंजॉय कर रही थी आखिरकार मलिष्का, क्योंकि मलिष्का चाहती भी यही थी। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार वही चीज़ अब होती हुई नज़र आ रही है जो चीज़ होनी ही नहीं चाहिए थी। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सूत्रों के हवाले से एक और भी इस समय की सबसे बड़ी खबर मिलती हुई नज़र आने वाली है, जहाँ पर साफ साफ इस चीज़ को बोलती हुई नज़र आएगी आखिरकार आप लोगों के बीच में लक्ष्मी। लक्ष्मी बोलेगी कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये सब कुछ एक साजिश है, जैसा मैं नहीं चाहती मेरी बेटी किसी के भी पास में जाए, क्योंकि मेरी बेटी इन लोगों के पास में जाएगी तो ये लोग उस तरीका से केयर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों अपनी बातों को किस तरीका से रखना है सब लोग जानते ही हैं दोस्तों। और अब जो होने जा रहा है उसमें एक नहीं बल्कि कई और भी ट्विस्ट दस्तक देते हुए नज़र आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एक और भी चीज़ आप लोगों के बीच में देखने को मिलती हुई नज़र आएगी, जहाँ पर साफ साफ इस चीज़ की पुष्टि करता हुआ नज़र आने वाला है आखिरकार करण। करण बोलेगा कि ठीक है, अगर हमारे बीच में कोई इंसान किसी भी चीज़ को बीज बो रहा है तो उसका भी समाधान हम निकाल लेंगे, लेकिन हम किसी भी तरीका से ये तो नहीं कर सकते ना कि किसी भी तरीका से ना ही धोखा खा सकते हैं और ना ही, क्योंकि जस साहिब ऐसे सीधा सीधा बोलता हुआ नज़र आएगा कि लक्ष्मी चाहे इस घर में रह सकती है लेकिन इस घर में से बाहर ये नहीं जाएगी पारो, क्योंकि पारो लक्ष्मी के साथ नहीं जा सकती, पारो भी इस घर में रहेगी और लक्ष्मी चाहे तो पारो के साथ रह सकती है, इतना हम कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप लोगों के सामने मैं हूँ रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा गाइस कैसी लग रही है।